तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं लिटिल नाइटमेयर का एक और नया एपिसोड। मतलब लिटिल नाइटमेयर जो पिछला भाग था ना, वहाँ पर अपने एक रूम में गए थे और यहाँ पर एक भूतों का उंगली मिला हम लोगों को, एंड कैसे उंगली से बस निकले आखिर में। तो ये पार्ट था पिछला एपिसोड में, मैंने यही दिखाया था आप लोगों को। तो फिलहाल तो उस उंगली से बस कर आ गया, उंगली को भी ख़त्म कर दिया, मतलब अकेले ख़त्म कर दिया मैंने। तो फिलहाल अभी हम लोग एक और नए कमरे में जाएंगे, शायद एक और ऐसे लाड लेना है ना हमको, तो इसलिए हमको अभी एक और नए रूम में जाना है फिलहाल। तो यहाँ पर भी यार शायद हो सकता है बहुत सारे भूत निकले यहाँ पर भी। तो ये जो अभी हम लोग जो एक नए कमरे में जा रहे हैं ना, ये भी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे घोस्ट निकलेंगे। तो इसके लिए मुझे पहले तो ये दरवाज़ा खोलना होगा, बाद में अंदर जाकर देखूंगा क्या है अंदर। एंड अभी जहाँ जा रहा हूँ ना, मेरे को भी बहुत डर लगता है। अभी ये हॉस्पिटल का अभी भूतों का सीन अभी तक ख़त्म नहीं हुए, मतलब अभी हॉस्पिटल में हूँ, मतलब मेंटल हॉस्पिटल में हूँ। ये भूतों का पूरा घर है शायद, पूरा इलाका मतलब पूरा एरिया भूतों से भरे हुए हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे फिर से, मतलब मोनो ऐसे हमको पकड़ेंगे ना, मतलब सिक्स ऐसे पकड़ेंगे, तो हम लोग मतलब सिर्फ मैं अकेला ही ना, सिर्फ मेरे को अभी इसे ऊपर जाना है, वो लाइट लेकर आना है मेरे को, तभी हम लोग वो दरवाजे खोल सकते हैं। तो इसके लिए मुझे अभी क्या करना है, ये भूतों के बीच से मुझे अभी गुजरना है यहाँ के। तो ये जो पार्ट है ना, अभी जो मैं ये पार्ट खेल रहा हूँ ना हॉस्पिटल का, ये पार्ट ये भी बहुत डरावना पार्ट है ये। तो ये सामने मेरे सामने ही एक भूत है। तो अभी मुझे क्या करना है इस फोटो को यहाँ से हटाने के लिए, तभी मैं जा पाऊँगा। ये लाइट जल रही है ना, वो लाइट मुझे ऑफ कर देना, तभी भूत जाग जाएंगे। मतलब जैसे ही अंधेरा होते ही भूत जागते हैं ना, वैसे ही लाइट मुझे ऑफ करना है, तभी ये भूत जाग जाएगी और फिर मेरे को पकड़ेगी। इसके लिए मेरे पास भी एक और बढ़िया टेक्निक है, कैसे भूत मुझे को नहीं पक मतलब कैसे भूत मेरे को मतलब भूतों से कैसे मुझे बचना है, इसके लिए भी मेरे पास एक टेक्निक है। वो टेक्निक भी आपको दिखाऊंगा मैं, कैसे बस से निकलाना, मतलब कैसे उस भूत से बचते हैं, बचते मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये लाइट को बर्न करना है अभी, बाद में मैं कैसे इस भूत से मतलब छुटकारा पा सकूँ, मतलब कैसे छुटकारा पाऊँगा इस भूत से, इसका भी टेक्निक मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलो पहले लाइट बर्न करके देखता हूँ क्या होता है। देखा आपने भूत कैसे चल रहा है लाइट ऑफ करते ही, मुझे अपना टॉर्च अभी जलवाना है, नहीं तो वो मेरे को पकड़ लेगा। लाइट अप करते वो मेरे सामने आ रही है, भूत आ रही है, मतलब चल रही है भूत। देखा कैसे चल गए भूत, मतलब इसका तो सर ही नहीं है, मतलब सिर्फ पैर और दो हाथ है, मतलब इस भूत का बिना सर वाले भूत है ये। मैं उसके सामने टॉर्च मतलब चैप्टर के टॉर्च में उसके सामने ऐसे जलाता हूँ ना, तब वो मेरे को नहीं पकड़ेगा। जैसे ही मैं टॉर्च ऑफ कर दिया ना, वो मेरे को पकड़ लेगी। इसके लिए मेरे को ये टॉर्च अभी तक चालू रखना होगा ताकि वो मेरे को पकड़ ना सके। अभी मेरे को इस दरवाजे के पीछे जाना है। अभी ये भूत तो अभी स्टेचू बन गई है, भूत क्या भूत है यार भाई, बिना सर वाले भूत, मतलब मूवी में जैसे दिखाते हैं ना बिना सर वाले भूत, वैसे ही ये भूत। तो भाई मेरे को आगे जाकर और भी ऐसे डरावने भूतों से, अभी आगे जाकर और भी ऐसे डरावने भूतों से मिलना है मेरे को। तो फिलहाल एक से तो अभी छुटकारा पा गई मैं, ये यहाँ से आ नहीं सकते अभी, क्योंकि ये दरवाज़ा आधा बंद है ना, सिर्फ छोटे ही बच्चे आ सकते हैं यहाँ से। तो मेरे को अभी एक भूत से तो अभी फिलहाल तो छुटकारा मिल गया, अभी तो अभी यहाँ आगे जाकर देखता हूँ, यहाँ पर भी और भी ज़्यादा भूत है, मतलब यहाँ पर और भी डरावनी सीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी किस तरफ जाऊँ अब, अभी ये तुम लोग ना भाई जिंदा मत होना, नहीं तो मेरे को भाई बहुत डर लगेगा अगर जिंदा हो गए तो। हाँ ऐसे ही स्टेज से बन के खड़े रहना, अभी ये भी जिंदा हो गया क्या, नहीं, ये ऐसे ही खड़े रहेंगे, ये मेरे पर हमला नहीं करेंगे, मतलब कुछ भूत ही मेरे ऊपर हमला करेंगे। वे देखता हूँ
ये भी हमला करते हैं कि नहीं। नहीं, ये मेरे तरफ मतलब ये हमला नहीं करेंगे। अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये भूत भी आ रहे हैं मेरे पास। ओहो, अभी कैसे जाऊं यहाँ से बस के, ये तो मेरे बहुत नजदीक आ गई है भूत। अभी भाई यहाँ से भागना ही बेहतर है, मतलब तेज से भागूंगा, ये भूत पकड़ नहीं सकेगा मेरे को। अभी इन दो भूतों से और भी मैं छुटकारा पाएगी आसानी से, इन दो भूत बार बार बसे भाई इन दो भूतों से। अभी देख के ही डर लगता है भाई मेरे को, देखा नहीं जा सका, फिर भी खेलना तो पड़ेगा भाई, हॉरर गेम ही ले आए ना इससे, खेलना तो पड़ेगा। अभी यहाँ से मैं भाई बहुत तेज तोड़ूंगा भाई ये भूत भी, ताकि मेरे को पकड़ ना सके। अभी डरना ही बेहतर है। तीन भूत है यहाँ पर बिना सर वाले, कितना डरावनी है, देखा नहीं जा सका मेरे से। तो अभी मेरे को क्या करना है, फिलहाल तो इन भूतों से अभी मैं बस के निकल आया यहाँ से, तो अभी मुझे इस खिड़की से जाम करके उस तरफ जाना है, नहीं तो ये मेरे को पकड़ लेगा ना। अब ये मैं कितने दूर तक ऐसे टॉर्च ऐसे मतलब रोशनी लेकर ऐसे खड़े रहूँ इनके सामने, अगर टॉर्च ऑफ हो गया ना, मतलब टॉर्च का बैटरी अभी जो ख़त्म हो गया ना, तभी मैं मर जाऊँगा, इसलिए मुझे अभी इस खिड़की से उस तरफ जाना है अभी फिलहाल। अभी उठ यार जल्दी, तो अभी मैं छुटकारा पा गया इन तीन भूतों से, मतलब बिना सर वाले भूतों से। तो अभी मेरे को और भी आगे जाना है यहाँ पर, मतलब ये वो हॉस्पिटल है ना, बहुत तराना हॉस्पिटल है भाई ये। टॉर्च ऑफ नहीं करूँगा मैं, नहीं तो और भी अंधेरा आ जाएंगे मेरे सामने, एन अंधेरा होते ही मेरे को बहुत डर लगती है। किस तरफ जाना होगा अब मेरे को भाई, तुम मत जागना भाई, भी भूत भैया तुम मत जागना भाई। अरे उठ यार भाई जल्दी से, नहीं तो ये भूत फिर से आ जाएंगे मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे ये भूत। अबे कहाँ आप आ गए यार, एक किसी मरीज का कमरा है लगता है शायद। अबे ये क्या, ये क्या रे भाई, ये क्या था यार भाई, किसी का उंगली है, मतलब ये अभी तक भूतों ने मेरे पीछे नहीं छुड़ा अभी तक भूतों से, क्योंकि वो अभी मेरे को उंगली से पकड़ेंगे उनकी। कैसे निकल रहा है उनका उंगली भाई, ये भूतों का मतलब क्या बताऊँ आपको, ये भूत मेरे पीछे ही पड़ गया, अभी तक पीछा नहीं छुड़ा इन भूतों से। ये टॉर्च बार बार क्यों ऑफ हो जाता है भाई, ऐसे ही नीचे झुक झुक कर आना है आपको, अगर आप खड़े हो गए ना तभी आपको भूत पकड़ लेगा, मतलब यह हाथ पकड़ लेगा आपको, भूतों का हाथ है ना आपको पकड़ लेगी, इसलिए आपको ऐसे नीचे झुक कर जाना है। अभी फिलहाल तो मैं ऐसे ही आ रहा हूँ अब। फिलहाल तो ये पड़ाव हमने अभी पार कर लिया बिना मरे, इतने सारे भूत है भाई यहाँ पर, देखा आपने इतने सारे भूतों की उंगलियाँ, मतलब मेरे को ही पकड़ने आए थे ये सारे भूत, मतलब खा जाएंगे मेरे को अगर पकड़ लिया ना। इंसान के खून के बहुत प्यासे हैं ना ये भूत, है ना। अभी इस दरवाजे से क्या निकला, यानी यहाँ पर भी दो भूत हैं, वो भी मेरे पीछे 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 आएंगे शायद, मतलब अभी टॉस लेकर खड़ा हूँ ना, इसलिए वो मतलब इस तरह से बन गया अभी, जैसे टॉस हटाता हूँ मैं, देखता हूँ इस बार तो हटा दिया, तो लोग मेरे पीछे भाई, ये कितना डरावना है भाई ये भूत, ये तो मास्क भी पहन
पहन कर रहे हैं, ये घुटने भी मतलब मास्क पहन कर रखा है। एंड ये क्या, एक और आदमी, अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, अरे भाई कितने सारे भूत है यार यहाँ पर, वो लोग मेरा पीछा ही कर रहे हैं। एंड भाई सामने से मत निकला भाई। एंड ये क्या, एक भी सामने भी है एक भूत, तो मेरे को यहाँ से ऊपर जल्दी से ऊपर उठो भाई, मोनो नहीं रो, ये भूत पकड़ लेगा मेरे को। फिलहाल तो अभी बच गए भाई भूतों के हाथों से अभी, लेकिन मेरे को पकड़ नहीं सका ये भूत। एंड वो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो ऐसे लेते हुए आए थे ना, इसलिए वो ऊपर चढ़ नहीं सकता। मतलब उंगली होता ना तो, भूतों का उंगली होता ना ये, वो ऐसे ऐसे चलते थे ना उंगली, जो पिछले पार्ट में मैंने दिखाया था, उंगली होता तो ये ऊपर चढ़ जाता, लेकिन अभी ये लोग नहीं चल सकते। तो अभी फ़िलहाल तो मैं भाई बार बार वैसे इन भूतों से मतलब भूत का चैप्टर लगता है शायद यहाँ पर ख़त्म। फिर भी आगे जाकर देखना होगा, और भी निकले हैं कि आगे जाकर भूत निकलेगा क्या मेरे को देखना होगा। ये लोग कैसे देख रहे हैं मेरे को, देखा आपने कितना डरावना सीन था भाई, क्या कहूँ। एंड अभी यहाँ कमरे पर तो कोई भूत नहीं निकलेगा ना, देखना होगा कमरा भी कितना भाई डरावना है। तो पहले मुझे इसका लाइट ऑन करना चाहिए, देखना होगा क्या है इस कमरे में। तो चलो अभी लाइट मैंने ऑन कर दिया कमरे का, लगता है इससे मुझे दरवाज़ा भी खोलना होगा, ट्राई करके देखता हूँ खोलता है कि नहीं ये दरवाजे। दूर से फेंकना होगा ताकि तभी खुलेगा यह दरवाज़ा। मतलब ये इतना भी मतलब बहुत छोटा चीज़ है ना, इसलिए उसको दूर से देखना है। देखता हूँ अंदर जाकर इस दरवाजे के पीछे क्या है। एने बाथटब है, एने यहाँ पर भी भूत लगता है, नहाते नहाते ये भूत बन गए शायद। एंड ये भी एक सियार पे भी एक भूत अभी तक, मतलब ये इनका पैर टूटता टूटा था शायद इन भूत का, व्हील चेयर भी बैठ के ये भूत। तो अभी मुझे इस उस तरफ जाने के लिए मुझे अभी यहाँ पर तो कोस या टूल या सियार जैसा कुछ चीज़ चाहिए। एंड अभी इसके लिए तो मुझे लगता है इस सियार को मुझे अभी यहाँ से हटाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, इस भूतों को मुझे यहाँ पर से उठाना है। इस फोटो को जो यहाँ पर बैठा हुआ है ना इस सियार पर, तो उसे मुझे उठना है यहाँ पर, मतलब इस फोटो को यहाँ पर मुझे उठाना है इस सियार से। तो अभी मैं कैसे करूँ यार, रुको रुको, हाँ आइडिया है मेरे को, देखता हूँ काम करता है कि नहीं। ये लाइट ऑफ करके देखता हूँ, अगर लाइट ऑफ हुआ ना तो भूत तो अपने आप उठेगा इस चेयर से। तो लाइट ऑफ किया मैंने, टॉर्च भी चलवा लिया अभी, नहीं तो मुझे भाई बहुत डर लगता है ना, इसलिए मैं टॉर्च भी चलवा लिया अभी तक अभी। एंड ये क्या है भाई, आसाना घुस गया मेरे आते ही, मतलब मेरे आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। मतलब इंसान का वो सुन सकते हैं ना इंसान को, वो इसने मेरा आने का इंतज़ार ही कर रहे थे शायद ये भूत। तो अभी ये भूत खड़े हो गए, तो इसके लिए मुझे अभी क्या करना है, उन भूतों को अभी मेरे को उस लाइट के पास ले आना है, तभी मैं सियार उस तरफ ले जा सकूँगा। नहीं तो अगर मैं सियार उस तरफ ले आना लाइट बिना लाइट ऑन के, तो ये मुझे मेरे को खा जाएगा। तो मुझे अभी जल्दी से जाकर पहले तो उस लाइट को ऑन करना है भाई, एक ही बार में ऑन करो लाइट। कितना तेज है ये भूत भाई, ये भूत तो कितना तेज से भागता है, पैर भी नहीं, एक मतलब इसका एक पैर भी नहीं है, मतलब टूटा हुआ है एक पैर। फिलहाल तो ये भूत अभी स्टेचू बन गया, तो अभी मैं उस तरफ जा सकूँगा आसानी से उस शेयर पर बैठते हुए। तो अभी मुझे शेयर तरफ ले जाना है अभी। अभी मैंने टॉर्च बंद कर दिया क्योंकि अगर टॉर्च का बैटरी ख़त्म हो गया ना यहाँ पर, तो भाई मैं तो मर जाऊँगा यहाँ पर। एंड एक ही टॉर्च है मेरे पास अभी, दूसरा टॉर्च भी नहीं है, एंड टॉर्च का बैटरी भी नहीं है मेरे पास। एंड ये क्या, ये तो भाई उससे भी ज़्यादा भाई अंधेरा है, एंड बहुत डरावनी है, मेरे को तो कोई दिख ही नहीं रहा, मतलब सामने क्या है कुछ भी नहीं दिखा। अभी टॉर्च चलवा लेता हूँ मैं, अभी दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर भी निकलेगा शायद, कुछ तो है यहाँ पर मतलब इस कमरे में। अभी ये क्या, ये तो भाई बहुत बड़े मंस्टर है, मतलब भूतों का सरदार है शायद ये, चलता है क्या, नहीं दिखता। हाँ नहीं नहीं ये स्टेचू ही है, मतलब ये स्टेचू है, मतलब ये नहीं मेरे को नहीं पकड़ेगा ये, कोई तो आ रहा है मेरे पर, मेरे मेरे को पकड़ने के लिए।
यानी एक यहाँ पर तो दो या तीन लोग हैं भाई। कैसे जाऊं भाई यहाँ से, थोड़ी सी भी गलती होगी ना मेरे से तो भाई ये भुट्टो मेरे को पकड़ लेगा यार। अबे ये कहाँ से आ गए भाई ये भूत, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, बिना सर वाले आदमी मतलब भाई क्या कहूँ यार भाई, इसका तो पिछला हिस्से भी फट चुके हैं इस भूत का। अभी कहाँ से जाऊँ यार भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, इस तरफ से आऊँ, थोड़ी भी गलती हो गई ना तो मैं तो भाई इस भूत के मुंह में गया भाई, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। हाँ अभी इस तरफ से जाना है मेरे को, फिलहाल तो बस बस के जा रहा हूँ अभी, और मुझे तेज भागना है यहाँ से। फिलहाल बस चुके हैं हम लोग, मतलब आसानी से जा रहे हैं इन भूतों के, भूतों से छुटकारा पाएंगे अभी, मतलब कितना डराने से थे अभी अभी तक तो बस के आगे इन भूतों से। तो फिलहाल तो अभी तो मेरे को पकड़ नहीं सकता यह भूत, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ से आसानी से मैं पहुँच जाऊँगा। तो फिलहाल इन भूतों से तो मैं अभी छुटकारा पा गया, क्योंकि वो मेरे को पकड़ नहीं सका। एंड ये सीन भी भाई बहुत डरावनी थी भाई, अगर ये लोग दरवाजे तोड़ देना तो भाई मेरे को पकड़ लेगा, तो मुझे बाहर चलो बेहतरी ढूंढनी है, ताकि मैं सिक्स को दे सकूँ बैटरी, तो वो यहाँ पर मेरा इंतज़ार करे। तो बैटरी मुझे कहाँ से लाना है, यहाँ पर तो बैटरी मेरे को दिख नहीं रही, कहाँ पर है बैटरी? ओ मिल गया, मिल गया बैटरी, मिल गया। तो भाई पहले मैं टॉर्च ऑफ करके, ऑफ कर दिया टॉर्च, यानी भूतों का हाथ अभी तक चालू है, मतलब वो मेरे को पकड़ नहीं पा रहे थे, अभी तक मेरा इंतज़ार करना कि मैं वहाँ जाऊँ वो मेरे को पकड़ ले, करके खा जाए मेरे को, लेकिन मैं वहां पर जाने वाला नहीं हूँ, मेरा जो काम है ना मैं वही करूँगा। मतलब अभी मेरे को ये बैटरी ढूंढना है वो दरवाजे खोलने के लिए, तो बैटरी तो अभी मेरे को मिल गई, तो इसके लिए अभी बैटरी मुझे सिक्स को देना है ताकि वो दरवाजे खोल सके मेरे लिए। भाई लोग बिना मरे यहाँ यहाँ पर आ गया हम लोग, मतलब बस के अगर पकड़ लेता ना भूत ने तो भाई मैं तो उनके मुंह में चला जाता, भूत के मुंह में। तो अभी सिक्स को भी दिखाता हूँ, सिक्स आजा मेरे साथ देख ले एक बार ये भूत कैसे दिखते हैं, तूने अभी तक नहीं देखा ना बिना सर वाले भूत, देख ले क्या है। हाथ क्यों सो रहा भाई मेरा, डर लगता है क्या भाई तुमको? डरो मत भाई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम्हारे साथ, हाथ पकड़ ले भाई। भाई नहीं मेरा गर्लफ्रेंड है ना, गलत ही बोल दिया मैंने। अरे सेक्स मेरा या मतलब क्या करो, मेरा स्वीट हार्ट, ये अच्छा लगेगा। देख ले भाई ये बूढ़ों का हार्ट है भाई, देख ले, डरना मना है भाई, मैं क्योंकि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना वो तुम्हारे साथ है। अरे बार बार वो भाई का वर्ड मेरे मुंह से निकल जाते हैं, क्योंकि वो अभी मेरा गर्लफ्रेंड मेरे साथ है ना, तो भाई के वर्ड अभी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने स्वीट हार्ट ही बोल दिया। तो अभी ये भूतों का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म, मतलब वो हॉस्पिटल से अभी हम लोग निकल जाएंगे आसानी से। तो भाई ये मैंने टॉर्च ले लिया अभी, मतलब बैटरी ले लिया अभी, टॉर्च नहीं भाई ये बैटरी है, बैटरी ले लिया अभी मैंने। तो बैटरी हमको अभी दो बैटरी मिल चुके हैं, तो अभी उसको जाके लगना होगा यहाँ पर। तो मेरे वाला जो बैटरी है ना, तो मैंने यहाँ पर मेरा वाला बैटरी लगा दिया। एन सिक्स ने भी अभी एक बैटरी उसने भी ले लिया है, तो उसने भी यहाँ पर ये बैटरी लगा दिया। तो अभी हमको ये दरवाज़ा खुलेंगे ना, तो हमें दरवाजे के पास हमको जाना है अभी। तो भाई फिलहाल तो हम लोगों ने वो
लाइट अभी यहाँ पर लगवा दी, एक मैंने उठा कर लाया और दूसरा है तो सिक्स ने लेकर आया। सिक्स भी बहुत मेरी मदद कर रहा है, अभी गर्लफ्रेंड है ना मेरी, तो इसलिए तो मदद तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना होगी। तो अभी मेरे को क्या करना है, वो अभी ऐसे खींच कर अभी इसको नीचे लेकर आना है, तभी वो दरवाज़ा खुलेगा। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं मेरे को भी पता नहीं है, जाकर देखना होगा अभी ये हॉस्पिटल से निकाल तो पाएंगे कि नहीं। आप भी नीचे जाकर तो कहाँ पहुँचते वो बाद में पता चल जाएगा आपको, तो इसके लिए आपको देखना होगा। हाँ भाई, एंड म्यूजिक क्या भाई, क्या म्यूजिक बजा रहे हैं भाई, मतलब वो डरावने म्यूजिक भी बजाते हैं ना गेम में, तो भाई मेरे को तो बहुत डर लगता है इस म्यूजिक से, क्योंकि म्यूजिक भी काफ़ी डरावनी है एंड ये जगह भी काफ़ी डरावनी है, बहुत सारे अंधेरा भी है यहाँ पर। बिना टॉर्च के तो हम लोग नज़र नहीं आएंगे, हम लोग भी नज़र नहीं आएंगे, एंड कहाँ क्या है वो भी देख नहीं सकेंगे, इसलिए टॉर्च मैंने अभी यहाँ पर चालू किया है मेरा टॉर्च, अभी देखता हूँ टॉर्च ऑफ करके। देखा आपने, टॉर्च ऑफ कर दिया मैंने, कोई भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो भाई मैं इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ अभी, क्योंकि जो हॉस्पिटल का सीन मैंने एक ही पार्ट में दिखाया, मतलब वो बिना सर वाले जो भुट्टे ना उनको मैं एक ही पार्ट में दिखाया आपको, तो ये पार्ट मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। दूसरे पार्ट के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, हाँ आप लोगों को, मतलब आगे जाकर किससे भेटे हैं हम लोग, मतलब कौन से ऐसे घोष मिलता है आगे जाकर, आपको इसे पिछले पार्ट में पता चल जाएगा आप सभी को। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहे एंड मेरा कमेंट भी आपको कैसा लगे भी आपको बताना है, हाँ भाई तभी मेरे को अच्छा लगेगा। तो फिलहाल तो भाई इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ।